पीएम मोदी संघाई देशों के संगठन के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे। यहां पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं। एक्सेलेंसीज, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 77.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। जून 2020 में चीन के साथ भारत का शुरू हुआ टकराव अब धीरे धीरे खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग टकराव के बाद पहली बार आमने सामने होंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठकों की संभावना है। 2019 के बाद ये पहली फिजिकल मीटिंग है। इसके साथ ही लद्दाख में हुए भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव के बाद पहली बार किसी बैठक में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लद्दाख में दोनों ही देश की सेनाओं के बीच हुए टकराव के बाद दोनों ही नेताओं की ये पहली मुलाकात है। और भी अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी संभव है, लेकिन इस चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।